हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ जो कि अपना पड़ोसी मुल्क है, जिसका नाम है पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत एक ही साल आज़ाद हुए हैं, पर भारत तरक्की करता जा रहा है, जबकि पाकिस्तान कंगाली के रास्ते पे आज खड़ा है। पर वहाँ के लोगों की सोच क्या है, ये आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख सको। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर, 13 साल का लड़का 56 कंपनी का सीईओ है। अरे यार भाई, क्यों मजाक कर रहे हो यार? ये वाला 13 साल का बच्चा, उसको तो अपना अपना पैंपर चेंज करना नहीं आता। आप कह रहे हो कि मैं इसको 13 साल के बच्चे का वो सीईओ बन गया 56 कंपनी का, या क्यों मजाक कर रहे हो यार? 13 साल का बच्चा? हाँ जी। ये कैसे हो सकता है? मजाक कर रहे हैं तू मजाक कर रहे हैं। सर, वो है अभी इंडियन। हमारे बच्चे 13 साल की उम्र में कैंची खेलते हैं, और इंडिया वालों को देखो। तो बचपन से उन लोगों को यही सी चीज सिखाते, करियर काउंसलिंग करवाते। हमारा एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेहतर है या फिर हमारे पड़ोसी में लोग, हिंदुस्तान का क्या ख्याल है आपका? हमारा बेहतर है। हमारा बेहतर है? हाँ जी। किस हवाले से बेहतर है? इधर की जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज्यादातर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। अच्छा। हाँ, इंडिया के भी इधर ही पढ़ने आते हैं। अच्छा, इंडिया के बच्चे भी पाकिस्तान में पढ़ने आते हैं। सर, ये कब हुआ है? ये काफी देर से चल रहा है। और कई मुल्क ऐसे हैं जो डॉक्टरी के जो स्टूडेंट हैं वो इधर आके पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, डॉक्टरी के स्टूडेंट इधर आके पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। तो फिर अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना ही बेहतर है, एग्जांपल के हमारे जो यहाँ के पेशेंट है वो हिंदुस्तान क्यों जाते हैं इलाज करवाने के लिए? हमारा पाकिस्तान का। हमारा बेहतर है? हमारा किस हिसाब से बेहतर है? आपका कोई इसके बारे में कोई बात बता सकते हैं कि जो के बात ऑथेंटिक लगे? भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम भी इससे पीछे तो नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ, हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं, डीजल के नर्ख आसमान पर हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, डॉलर आसमान पर है, हवाई जहाज के टिकट आसमान पर हैं, रेलवे और बसेस के किराए आसमान पर हैं, अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, चीनी के रेट आसमान पर, चावल के दाम आसमान पर, दाल की कीमतें आसमान पर, सब्जी की कीमतें आसमान पर, फल के दाम आसमान पर, बीफ और मटन की कीमतें आसमान पर, मुर्गी का गोश्त आसमान पर, दूध के रेट आसमान पर, चाय की पत्ती की कीमत भी आसमान पर, दवाओं की कीमतें भी आसमान पर, अस्पतालों के अखराजात भी आसमान पर, स्कूल्स की फीस आसमान पर, मुल्की कर्जे आसमान पर, हुकूमती अखराजात आसमान पर, हुक्मरानों की अय्याशियां आसमान पर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है। अच्छा। वो उनको वहाँ पे टेस्ट करनी चाहिए। क्यों? ये मुल्क कुछ इस तरह का है, रात को छुपे हुए फौजी इनके पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। अच्छा। ये किसने बताया आपको? ये स्कूल में स्टडी वगैरह की थी। तो मतलब आपके मदरसे में बताया जाता है? जी, मदरसे में बताया जाता है। इंडिया के बारे में और क्या जानते हो, कैसा मुल्क है? ठीक ही है, लेकिन हमारी नजरों में कुछ ठीक नहीं है। वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, मस्जिद शहीद करते हैं, कुरान पाक जलाए जाते हैं नौज़ बिल्ला। उसके अलावा इस तरह के बहुत। आपको पता है हिंदुस्तान में आज तक एक भी कुरान पाक नहीं जला? आपको ये बात किसने बताई है? जिसने बताई है गलत बताई है। ये होता है स्वीडन में हुआ है और ममालिक में होता है, लेकिन आज तक भारत में कभी भी कोई कुरान पाक नहीं जला। कोई एक वीडियो मुझे आप लोग इंटरनेट से देखकर दिखा दें। मेरे पास मोबाइल नहीं है तो आपको लाजमी दिखानी थी। अच्छा, मोबाइल मैं आपको दे देती हूँ, आप देख के सर्च करके बताएं मुझे। सर्च नहीं मैं कर सकता, मैं वीडियो टिकटॉक पे जो थी ना वो सेव वगैरह की थी। अच्छा, आपको लगता है कि हमें हमसाये मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है भारत। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपको इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं? मैंने देखा जब से मैं इंडिया की बात कर रही हूँ आपके अजीबोगरीब मुंह बनना शुरू हो गए हैं। जी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इंडिया। नफरत की कोई वजह होगी ना? वजह यही वजह है कि थोड़ा मुसलमानों के उसके लिहाज से कि मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म किया जाता है। ये आपको किसने बताया? ये सब मदारिस में जो बताते हैं हमें। अच्छा।
अच्छा आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने उनसे बात की है, मैं उनकी बात आपको बता रही हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं दिखाया, मैंने खुद देखा और मैं आपको बता रही हूँ। जो हमने सुना है ज़्यादातर वो यही है कि वहाँ पे मस्जिदें वगैरह शहीद की जाती हैं, मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है। हाँ इक्का दुक्का वाकयात हुए होंगे लेकिन इतना नहीं है जितना आपको बताया जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में बाइक चला रहे हो, क्या एज है आपकी? मेरी 14। 14 साल की उम्र में लाइसेंस भी नहीं है आपका, बाइक चला रहे हो? तो घर वालों से सामान वगैरह कुछ लेना पड़ता है तो फिर वार्डन नहीं पकड़ता? नहीं, निकल जाते हैं हम। एक बात, इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए? नहीं जी, नहीं करनी चाहिए। हमसायों के साथ तो दोस्ती का हुक्म कुरान में भी है। लेकिन ये इस तरह के हमसाया मिलनी चाहिए? अरे भाई इतना डेवलप कंट्री है, मेरे लिहाज से नहीं है। कौन सी दुनिया में रहते हो? मैं अर्थ में रहता हूँ लेकिन इंडिया सही नहीं है, वो गद्दारी करते हैं वो मुल्क। अच्छा, जो मुल्क भी इस्लाम के खिलाफ है वो हमें पसंद नहीं है। चलो मैं ना आपको आज एक टास्क देती हूँ, आपने जाके अपने जो कारी साहब है उनसे पूछना है कि इंडिया में नाउज़ बिल्ला अगर कुरान पाक जलाया गया तो उसकी वीडियो आपको ज़रूर दिखाएं। जी ठीक, क्योंकि हमें उसकी बात पर यकीन करना चाहिए जो हम आँखों से देखते। देखा ही था मैंने वीडियो पे, अब टिकटॉक तो क्या पता अब क्या झूठ है क्या सच है। अरे टिकटॉक भी कोई यकीन करने वाली चीज़ है बेटा? आप टिकटॉक पे यकीन करके इंडिया पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो? वो भी बात सही है आपकी लेकिन मेरे लिहाज से नहीं। इंडिया वाले बड़े बदतमीज़ होते हैं। इंडिया वाले बदतमीज़ क्यों? होते हैं, क्या बदतमीज़ी की उन्होंने आपके साथ? हम के साथ उतने महंगाई कर दी। इंडिया ने महंगाई की है? हाँ जी। वो कैसे? इमरान खान के साथ रल कर महंगाई कर दी। इमरान खान के साथ मिलके इंडिया ने महंगाई कर दी? हाँ जी। ये किसने बताया आपको? हमको मेरे भाई ने बताया। अच्छा, भाई क्या करता है? भाई हमारा चने बेचता है। भाई चने बेचता है, भाई चने बेचता है भाई, तो आप सोच सकते हैं कि उनका नॉलेज क्या होगा। अच्छा इंडिया के बारे में आपको और क्या बताया गया, कैसा मुल्क है इंडिया? इंडिया बड़ा बगैरत मुल्क है, उधर हमको जाने दो हम लाशें बिछाने देंगे उनकी। हुए, क्यों इंडिया के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों बोल रहे हो? क्या बिगाड़ा इंडिया ने आपका? इंडिया ने हमारा बड़ा कुछ बिगाड़ा, कोशिश किया। इंडिया वालों का ये कहना है कि हम डेवलपमेंट करी जा रहे हैं कश्मीर में, और अब तो पाकिस्तान भी मान रहा है कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, और ये पाकिस्तान वाले नारा लगाते हैं, वो मजाक हमारा बना रहे हैं। हमें जवाब, हमें आप कश्मीरियों से पूछें उनको डेवलपमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही। इंटरनेट पे जाके चेक करें, और मैं इस चीज को तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट। मेरे भाई ये उनको एक लॉलीपॉप देने की बात है, असल हकीकी जो बुनियादी हकूक है वो उन्हें नहीं दिए जा रहे। ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आप ना जाओ, लेकिन उन्हें पता है कि हकीकी जो आज़ादी है वो कैसे हासिल करनी है, और उसके लिए वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक अपनी कुर्बानी भी दे रहे हैं, जानों की कुर्बानी की फिक्र नहीं कर रहे। उनके जवान, उनके हर कब्रिस्तान में बच्चे से लेकर बूढ़े तक शहीद हैं। ठीक है, अच्छा पीछे आपके जो लीडर हैं वो कह रहे हैं हम इंडिया की दुर्गत बनाएंगे, इस तरीके से जो हम अवाम को बता रहे हैं, क्या इस टाइम हम माशी तौर पे या ओवरऑल जो हमारा पाकिस्तान का इस टाइम इन्वायरमेंट है इस काबिल हैं कि इंडिया के साथ हम टक्कर ले सकें? क्या कहना चाहेंगे? मेरे भाइयों, जिस तरह हमने मतलब के फौजी मैदान में टेक्नोलॉजी के मैदान में उसका मुकाबला किया है, आपके सामने ही है।